हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम इस माउस को खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और ये कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे इस माउस को खोलने से। तो चलिए दोस्तों, पहले माउस को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे माउस को खोलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक नॉट होल है और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से लाइट निकलता है, ये इसका सेंसर है। ठीक है, अब मैं इसे खोलता हूँ। और दोस्तों, मैं इस बात को भी आपको बता देता हूँ कि ये जो माउस है, ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये PS2 माउस है और USB माउस के लिए भी ये चीज थोड़ा बिल्कुल सिमिलर ही है, ज्यादा कुछ फर्क है नहीं इसमें, इसके कंस्ट्रक्शन में। तो मैं इसे खोल लेता हूँ पहले। ठीक है, तो दोस्तों ये जो माउस है खुल चुका है और आप देख सकते हो कि ये जो चीज है ये बिल्कुल बेकार है और जो स्विच लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, जैसे कि अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो आप साउंड सुन सकते हो। अब शायद आपने साउंड सुन ही नहीं होगा। तो ये इसका स्विच है और ये जो है ये स्क्रॉल है, आप देख सकते हो ये स्क्रॉल है। और यहाँ पे इसके लिए जो है ये रोटरी स्विच दिया गया है। कुछ माउस में यहाँ पे पोटेंशियोमीटर रहता है और इस माउस के लिए यहाँ पे रोटरी स्विच दिया गया है। ठीक है, अब इस माउस को मैं बाकी का हिस्सा भी खोल लेता हूँ दोस्तों। और ये जो केबल है आप देख सकते हो कि इसे मैंने अलग कर दिया इस PS2 केबल को। ठीक है, अब मैं बाकी का माउस को खोल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा माउस को निकाल लिया है। ठीक है, ये पूरा सर्किटरी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा चीजें हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, देख सकते हो आप। अब मैं इसे आपको थोड़ा समझा देता हूँ, मैं सारी चीजें थोड़ा साइड में और मैं आपको यहाँ पे सर्किटरी में थोड़ा समझा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चीज है, ये IC, ये एक ऐसा IC है जो क्या काम कर रहा है कि ये आपको एनालॉग सिग्नल में जो डेटा दे रहा है ये इसे डिजिटल सिग्नल में 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो रीड कर पाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, रुक जाइए मैंने इसे थोड़ा हटा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब इस सर्किटरी को हम कंप्यूटर से पावर अप करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से खोल लिया है। अब मैं आपको इसका काम थोड़ा समझा देता हूँ। तो दोस्तों, आप ये भी देख सकते हो कि मैंने इसे पावर अप भी कर लिया है, सर्किट को कंप्यूटर से मैंने इसे पावर अप किया है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि यह काम कैसे कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक IC लगा हुआ है। ये जो एक IC लगा हुआ है, ये एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, एक IC टाइप का दिखने वाला चीज है, पर ये कुछ IC नहीं है, ये एक फोटो सेल है। इसका जो काम है, ये एक टाइप का सेंसर मैं इसे कहूंगा, और इसका जो काम है ये है कि लाइट को डिटेक्ट करना। और आप इसके पीछे की साइड को देख सकते हो कि यहाँ पे एक कैमरा टाइप का चीज लगा हुआ है, यही मेनली लाइट को डिटेक्ट करता है और ये उसी का एक उल्टी दिशा का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लाइट है, ये लाइट जाके आपके टेबल के ऊपर पड़ता है ये सारे लेंसेस के जरिए। फिर ये जो लाइट है ये इस सारे लेंस के थ्रू होके आपके टेबल के ऊपर जाता है। फिर जब भी आप इस माउस को ऐसे 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 मूव कराते हो, फिर क्या होता है कि आपके टेबल से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे इस सेंसर के ऊपर पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, ये जो कैमरा टाइप का चीज मैंने आपको बताया इसके ऊपर पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे लाइट पड़ने के बाद ये जो सेंसर है ये डिटेक्ट कर लेता है, ये सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि माउस एक्स एक्सिस में चल रहा है या फिर वाई एक्सिस में चल रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस में चल रहा है या फिर वाई एक्सिस में चल रहा है, डिटेक्ट कर लेता है। फिर डिटेक्ट करने के बाद जो सिग्नल है उस सिग्नल को ये भेज देता है ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर। फिर ये उस सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके PC के अंदर दे देता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रोलिंग के ऊपर थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हो आप, ये एक इंफ्रारेड LED है और ये जो आप देख रहे हो ये एक इंफ्रारेड लाइट सेंसर है। इसका काम जो है, आप को मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ से लाइट यहाँ से जाता है, इस तरह से यहाँ पे जाता है और ये जो स्विच है, ये स्विच के जरिए ये लाइट जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आप देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लेता हूँ इस लाइट स्क्रोलर के ऊपर। आप शायद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे बहुत से छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा होगा, राइट।
और यही सारे पॉइंट से ये जो लाइट है ये गुजरता है, और जब भी आप इसे स्क्रॉल करते हो ऐसे ऐसे, जब भी आप इसको स्क्रॉल करते हो तो ये जो लाइट का डायरेक्शन ये चेंज होता रहता है। जैसे ही आप इसे घुमाते हो तो फिर लाइट में एक बाधा आ गया, फिर क्लियर हुआ, फिर एक बाधा आ गया, फिर क्लियर हुआ, फिर एक बाधा आ गया, फिर क्लियर हुआ, ऐसे होता रहता है। इस लाइट इसके थ्रू होकर निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आपको नजर में आ रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम हो रहा है कैसे। अब ये जो लाइट है ये एक इंफ्रारेड लाइट है, मैं आपको इसको भी थोड़ा प्रूफ कर देता हूँ। ये इंफ्रारेड लाइट है, आपको नॉर्मल में नहीं दिख रहा होगा, अगर मैं इस पे मोबाइल का कैमरा रखता हूँ तो आपको दिख जाएगा। दिख रहे हो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और मैं इसे कवर कर, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं जब इसे हटा देता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आपको दिखेगा, ठीक है, ये सब आपको कैमरा में ही दिखेगा। और यहाँ पे मेरा इस कैमरा में क्यों नहीं दिख रहा है ये भी आपका सवाल होगा, क्योंकि इसमें IR फिल्टर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है उतनी अच्छी तरह से। तो यही हो गया दोस्तों, यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग का काम है होता है। ये जो लाइट है ये कुछ केसेस में आपको नॉर्मल लाइट भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे इंफ्रारेड यूज किया गया है, पर यहाँ पे कुछ कुछ माउस में यहाँ पे नॉर्मल LEDs भी यूज किया जाता है, तो उस केस में भी आपको सेम काम होता है। पर यहाँ पे इंफ्रारेड है तो इंफ्रारेड से भी ये काम पॉसिबल है। इसको यहाँ पे बिठाने के बाद ये ऐसे ऐसे स्क्रॉल होता रहेगा और आपका जो काम है वो आराम से बन जाएगा। तो दोस्तों यही हो गया आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो कभी पसंद आया होगा, पसंद आया जरूर एक लाइक कीजिए। उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो इस चीज से रिलेटेड, इस माउस से रिलेटेड, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसी के साथ साथ आपका जो घंटी का आइकॉन रहता है उसे भी दबा दीजिएगा। इससे ये होगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और इसी तरह की टेक्निकल वीडियो लेके मैं अपने चैनल में रोज ही आता रहता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।